Guys, how are you? And now we are on this question number 7, 8, 9, 10 of this exercise 2.5, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको इन questions को कैसे solve करना है nicely. और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है questions में कि ब्रैकेट्स ज्यादा यूज हो रखे हैं, वेरिएबल्स मेनी टाइम्स आपको सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रैक्शंस नहीं है यहाँ पे. और एक क्वेश्चन आपका जो लास्ट का है वो डेसिमल में गिवन है आपको. देखिए कैसे इन सभी प्रॉब्लम्स को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए सबसे पहले क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2t प्लस 1, राइट. सबसे पहले आप ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई किया t के साथ, 3t, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, माइनस 9, राइट, इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगा 10t, और 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो प्लस 5 आएगा, राइट. अब t को आप लेफ्ट में लेंगे, 3t, 10t को लेफ्ट में ले लीजिए, माइनस 10t इज इक्वल टू प्लस 5 वॉज ऑलरेडी सिटिंग देयर, माइनस 9 को आप राइट में लेंगे तो वो प्लस 9 हो जाएगा. ओके, यहाँ बचेगा आपके पास बच्चों माइनस 7t इज इक्वल टू 14, और t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 14 डिवाइड बाय माइनस 7, बिकॉज ये t मल्टीप्लाई में 7 के साथ है तो 7 राइट में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा. अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, t इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस 2, राइट, माइनस 2 आपका t का आंसर हो गया पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों में सोल्व करने से पहले डायरेक्ट आपको पहले ये स्टेप लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है नेक्स्ट वाला. मैं डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनसाइड. ओके तो देखिए जरा कैसे करना है. 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 4 से किया माइनस 60. ओके 15 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 60 हो गया. अब माइनस 2 को y से किया तो माइनस 2y, और माइनस 2 को माइनस 9 से किया तो प्लस 18. आप अपनी एक फिंगर यहाँ पे रखिए सो दैट कि मिस्टेक ना हो, आप कहाँ पे चल रहे हैं आपको पता रहेगा. 5 को y से किया तो प्लस 5y, और 5 को 6 से किया तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0. ओके ये जो 5 है यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे हर बार ब्रैकेट में ऐसे ही नंबर में मल्टीप्लाई होता है. देखिए अब लाइक टर्म्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए. लाइक टर्म्स कितनी है, 15y प्लस 5y, 20y, 20y में से 2y को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 18y. ओके ये सभी लाइक टर्म्स का हमने प्लस माइनस कर दिया. अब आपके पास कांस्टेंट कितने बचे हैं, देखिए कांस्टेंट आपके पास है माइनस 60, और ये दोनों प्लस है, इन दोनों को पहले प्लस कर दीजिए, ये बन जाएगा प्लस का आपके पास 48 इज इक्वल टू 0, राइट. 18y माइनस कितना बचेगा आपके पास 12 इज इक्वल टू 0, दोनों ही कांस्टेंट है, प्लस माइनस तो माइनस होगा, और टर्म साइन रहता है ग्रेटर इंटीजर का, राइट. तो यहां से आपके पास आ जाएगा बच्चों 18y इज इक्वल टू प्लस 12, राइट, प्लस 12. सो y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपके पास 12 डिवाइड बाय 18. ओके सो y इज इक्वल टू 6 2 जा 12 6 3 जा 18. सो 2/3 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके ऐसे आपको नाइसली क्वेश्चन को करना है, राइट. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं पहले डायरेक्ट स्टेप लिखूंगा, सेकंड स्टेप यहाँ पे. ओके आप समझ जाइए, पहले फर्स्ट स्टेप आपको ये लिखना है सॉल्यूशन में, और फिर सेकंड स्टेप यहाँ से आएगा. देखिए मैं पहले इन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को 5 से करेंगे, 15z ओके, और 3 को 7 से किया माइनस 21, फिर माइनस 2 को 9 से किया माइनस का 18 आपके पास z आएगा, और माइनस 2 को माइनस 11 से किया तो प्लस 22 आएगा. फिर देखिए इक्वल टू साइन है आपके पास, 4 को 8 से करेंगे 32z, माइनस 4 को 13 से करेंगे तो माइनस 52 आपके पास यहाँ पे आएगा, राइट, एंड माइनस 17. यहाँ 17 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना है बच्चों. देखिए 17 जो है वो ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है, तो आप 4 को 17 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट. 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दैट्स ऑल ओनली. अब देखिए आप लाइक टर्म्स कौन सी है, सबसे पहले z वाली टर्म्स को लेफ्ट में ले लीजिए,
यहां पे तो z वाली दो दोनों टर्म्स हैं उनको प्लस कर लीजिए, पहले प्लस माइनस कर लीजिए। तो देखिए क्या है, प्लस था 15z है आपके पास और माइनस 18z है, तो माइनस 3z आपके पास बच गया यहाँ पे, और 32 यहां से लेफ्ट में लेंगे तो माइनस 32z आ गया, यानी ये टर्म भी इधर आ चुकी है। ओके इज इक्वल टू, अब पहले आप प्लस माइनस दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं तो दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगी, तो ये बनेगा आपके पास 9 और 6, 69 हो गया माइनस का। अच्छा यहाँ से आप 21 माइनस का है और 21 प्लस, 21 माइनस 22 प्लस, तो प्लस 1 बच गया यहाँ पे, राइट। माइनस प्लस माइनस होगा, एक नंबर बढ़ा है बस, तो प्लस 1 होगा, प्लस 1 को आप राइट में लेके जाएंगे तो वो माइनस 1 हो जाएगा, राइट। देखिए आप ध्यान से जरा, माइनस का 21 है, प्लस का 22 है, तो प्लस का 1 बचा मेरे पास, वो भी लेफ्ट साइड में, तो मैं राइट में लेके जाऊंगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब ये बच्चा बन गया आपके पास माइनस 35z इज इक्वल टू माइनस का 70, माइनस टू माइनस कैंसल, z इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 35, 1 जा 35, 2 जा, तो z इज इक्वल टू, बच्चों आपके पास आंसर आ गया 2, राइट। ये था आपका, अरे बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट को देखिए तो लग रहा था बहुत बड़ा आंसर आएगा, लेकिन कितना इजी आंसर आया देखिए, तीन स्टेप पे, 1 2 3 4 स्टेप पे मेरा क्वेश्चन हो गया। ओके तो इसी तरह के आप नाइसली क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते रहें बेटर लर्निंग के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, 0.254f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। ओके ये क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले तो आप डेसिमल रिमूव कर लीजिए। अब कभी भी मैं तो बच्चों आपको यही समझाऊंगा कि कभी भी अपने क्वेश्चन को डेसिमल में लेके मत चलिए, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, फिर उसको आगे बढ़िए, लास्ट में आंसर फिर से डेसिमल में दे दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी डेसिमल्स कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे हम, ये नंबर है आपका 0.25, तो क्या बन जाएगा 25/100, बिकॉज डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं। आप ये सब करिए, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ फिर 5/100 हो गया और 10f माइनस 9 हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन जाएगा, ये टर्म यहाँ पे पूरी टर्म के साथ प्रोडक्ट में है और ये भी टर्म पूरी टर्म के साथ प्रोडक्ट में है, तो आप यहाँ पे 100 टू 100 कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरे का डिनोमिनेटर हो गया अगर ये प्रोडक्ट में है तो। और दूसरा 5 1 5 और 5 5 25, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। सो 5 × 4f − 3 इज इक्वल टू 10f − 9। अब ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया, इतना इजी क्वेश्चन हो गया, सभी डेसिमल वाला काम खत्म हो गया अपना। अब 4 को अंदर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 20f − 15 इज इक्वल टू 10f − 9। अब f वाली जो टर्म है, f आपका वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, उनको लेफ्ट में ले लीजिए। देखिए 20f − 10f इज इक्वल टू −9 और 15 को राइट में लेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा बच्चों आपके पास। 20 − 10 आपके पास बचेगा 10f इज इक्वल टू बच जाएगा बच्चों आपके पास प्लस 6, राइट। आप ओनली 6 लिखें तो f इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6/10। आप यहां 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 2 5, तो बच्चों आपके पास आंसर आ गया f इज इक्वल टू 3/5, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, राइट। ओके ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5, फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई आपके लिए, और अभी हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.6 के लिए। थैंक यू सो मच।